हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कॉप के अंदर। और आज हम बात करने वाले वर्सेस्टर शहर रैपिड्स वर्सेस ग्लुसेस्टर शहर के बीच खेले जाने वाले मुकाबले की फैंटेसी टीम्स के बारे में। मैं आपको ड्रीम 11 टीम दूंगा, उसके अलावा मैं आपको इस मुकाबले की माई टीम 11 टीम भी देने वाला हूं, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फैंटेसी प्लेटफॉर्म है। और इसके ऊपर काफ़ी कम अमाउंट के कॉन्टेस्ट चलते हैं, जैसे 13 रुपये का कॉन्टेस्ट हो गया, 8 रुपये का कॉन्टेस्ट हो गया, और आप इनमें काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आपको सबसे बड़ी बात यह, आपको 100 रुपये फ्री मिल रहे हैं ऑफर के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया माई टीम 11 ऐप का, आपको ऐप डाउनलोड करनी है और रेफर कोड में स्पोर्ट्स कॉप डालना है, जिससे आपको 100 रुपये बोनस मिल जाएगा। जैसे ही आप पैन कार्ड वेरीफाई कराते हो, आपको 100 रुपये बोनस मिल जाएगा, जिसको आप कॉन्टेस्ट में यूज कर पाओगे। तो काफी बड़ा ऑफर है ये, जल्दी से डाउनलोड करो माई टीम 11 ऐप को, 100 रुपये फ्री के कमाओ। आपको इससे अच्छा ऑफर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो हम इस मुकाबले के बारे में बात करते हैं। तो ये मुकाबला खेला जाएगा 31 अगस्त को शाम के 5:30 बजे से वर्सेस्टर शहर के न्यू रोड ग्राउंड के अंदर, और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको ट्विटर के ऊपर मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो यहां पे 170 का एवरेज स्कोर रहता है, यानी काफी अच्छा बैटिंग ट्रैक होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं वेदर रिपोर्ट के बारे में, तो यहां पे आसमान साफ रहने वाला है, बारिश नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपको सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और आप ज्वाइन कर जाइए। यहां पे मैं आपको टॉस के बाद सारी टीम जरूर से आपको काफी हेल्प मिलने वाली, जल्दी से डाउनलोड करो। आपको टेलीग्राम पे जाना है और द स्पोर्ट्स कॉप को डालना है और आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल। तो अब हम इस मुकाबले के बारे में बात करते हैं। तो प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं वर्सेस्टर शहर की, तो रिकी वेसल्स ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, 221 मैचों में 5-3-2-3 रन बना चुके, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर ओपनिंग करने आएंगे, उनका एवरेज भी काफी अच्छा खासा है। हैमिश रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, अब तक 138 मुकाबलों में 3196 रन बना चुके हैं, इनका एवरेज 24.96 का, और इनकी स्ट्राइक रेट भी काफी कमाल की 143.25। जरूर से ये दोनों काफी एक्सपीरियंस ओपनर है वर्सेस्टर शहर की इस टीम के। अगले पे रहते जैक हैनिस, जैक हैनिस इंग्लैंड के काफी युवा बल्लेबाज है, 19 साल के हैं, पिछले मैच में उन्होंने डेब्यू किया T20 के अंदर और 41 रन की काफी कमाल पारी खेली और इनका स्ट्राइक रेट था 151.85। तो काफी जबरदस्त प्लेयर है जैक हैनिस भी। अगले पे रहते जैक लिबी, अब तक 21 मैचों में 393 रन बना चुके हैं और उनका एवरेज 32.75 का। अगले काफी बड़े प्लेयर है ब्रैडली ओलिविएरा, काफी बड़े ऑलराउंडर इस टीम के, अब तक 85 मुकाबलों में 960 रन बना चुके हैं, उसके अलावा उन्होंने 42 विकेट भी निकाल। जरूर से ब्रैडली ओलिवेरा बड़े प्लेयर होंगे अभी टीम के लिए। अगले आते हैं विकेट कीपर बेन कॉक्स, बेन कॉक्स काफी एक्सपीरियंस विकेट कीपर हैं, अब तक 112 मुकाबलों में 1628 रन बना चुके हैं, उसके अलावा उनका बैटिंग एवरेज 27.13। तो काफी अच्छे विकेट प्लेयर होने वाले हैं बेन कॉक्स भी। अगले प्लेयर आएंगे आपके रॉस वाइटली, जिन्होंने 123 मुकाबले में 2121 रन बना है, एवरेज भी अच्छा खासा है पर काफी नीचे खेलना है, तो जरूर से आपको इग्नोर कर सकते हो इस मुकाबले में। अगले पे आते हैं एड बर्नार्ड, जिन्होंने 67 मुकाबलों में 38 विकेट निकाले हैं। उसके बाद आते हैं डेरिल मिचेल, जो कि न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, 163 T20 गेम्स में 2194 रन बनाए, उसके अलावा 92 विकेट्स भी लिए। तो डेरिल मिचेल आपकी टीम के लिए काफी बड़े प्लेयर होने वाले इस मुकाबले के अंदर। अगला नाम आता है चार्ली मॉरिस का, चार्ली मॉरिस ने 8 मुकाबलों में 5 विकेट निकाले हैं। वहीं उसके बाद डिलॉन पेनिंगटन, जिन्होंने 17 मुकाबलों में 17 विकेट लिए हैं, ये काफी अच्छे विकेट टेकर प्लेयर, जरूर से पेनिंगटन आपकी नजरों में होने चाहिए इस मुकाबले के अंदर। अगली मैं आपसे बात करता हूं ग्लुसेस्टर शायर की टीम के बारे में, तो पहले प्लेयर आते हैं माइल्स हैमंड, माइल्स हैमंड ने 30 मुकाबलों में 639 रन बनाए हैं और उनका एवरेज रहता है 24.57 का। अगले ओपनर क्रिस डेंट, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इनका, 50 मुकाबलों में 725 रन है और इनका एवरेज 19.59 का। अगले बड़े प्लेयर इयान कॉकबेन, इयान कॉकबेन टीम के कप्तान है, 112 मुकाबलों में 2666 रन बनाए, उसके अलावा एवरेज 31.36। तो इयान कॉकबेन एक काफी बड़े प्लेयर होने वाले इस टीम के अंदर। उसके बाद नाम आता है रायन हिगिंस का, रायन हिगिंस एक और काफी जबरदस्त ऑलराउंडर है इस टीम के, अब तक 65 मुकाबलों में 1033 रन बना चुके हैं और 34 विकेट भी निकाले बॉलिंग से। तो ये काफी बड़े प्लेयर होंगे आपके इस टीम के लिए। पिछले मुकाबले के अंदर भी हिगिंस ने तीन विकेट निकाले थे मुकाबले के अंदर। फिर आते जेम्स बेसी, जो कि विकेट कीपर है टीम के, कुछ खास प्लेयर नहीं है, 14 मुकाबलों में 262 रन बनाए, उनका एवरेज 20.15
चुका। उसके बाद आते हैं जैक टेलर, 81 मुकाबले खेले, 938 रन बनाए हैं और 26 विकेट भी निकाले टीम के लिए। फिर आते हैं जॉर्ज स्कॉट, 25 मुकाबलों में 311 रन बनाए हैं और इनका एवरेज है 25.19 का। उसके बाद आते हैं बड़े प्लेयर ग्रैम वैन बुरन, काफी बड़े प्लेयर हैं, 57 मुकाबलों में 672 रन बनाए, उसके अलावा 34 विकेट भी निकाले पिछले मुकाबले में, हाफ सेंचुरी मारी, उसके अलावा बॉलिंग में विकेट भी निकाला। तो वैन बुरन काफी बड़े प्लेयर होंगे अभी टीम के लिए। फिर आते हैं टॉम स्मिथ, एक एक्सपीरियंस बॉलर होने वाले हैं, 128 मुकाबलों में 125 विकेट ले चुके, जरूर से काफी एक्सपीरियंस है इनको। फिर आते हैं डेविड पेन, 83 मुकाबलों में 99 विकेट, ये भी काफी अच्छे प्लेयर हैं। और फिर आते हैं मैट टेलर, जिन्होंने 32 मुकाबलों में 27 विकेट निकाले, तो तीनों बॉलर काफी अच्छे हैं ग्लुसेस्टर शायर की इस टीम के। अब मैं बात करता हूं पांच प्लेयर्स के बारे में जो कि टीम में होने ही होने चाहिए, तो वो होंगे रायन हिगिंस, इयान कॉकबर्न, रिकी वेसल्स, डैरिल मिचेल और ग्रैम वैन बुरन। ये काफी पांच बड़े प्लेयर हैं जिनको आपको टीम में लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये सारे प्लेयर्स स्टैट्स थे, आप वापस इनको देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब हम चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो ड्रीम 11 टीम मेरी कुछ इस तरह से दिखने वाली है, जहां पे मेरे विकेट कीपर होंगे आपके लिए बेन कॉक्स होंगे, गलती से वो ले लिया था, बेन कॉक्स विकेट कीपर होंगे। उसके बाद इयान कॉकबर्न, रिकी वेसल्स और जैक हैनिस मेरे तीन बैट्समैन होने वाले, तीनों काफी बढ़िया प्लेयर। मैंने टीम में चार ऑलराउंडर्स को शामिल किया है जो कि वैन बुरन, रायन हिगिंस, डैरिल मिचेल और डी ओलिवेरा। ये चारों काफी बढ़िया प्लेयर हैं, अच्छे विकेट टेकर, अच्छे रन स्कोरर भी हैं। और मेरे तीन बॉलर होंगे आपके लिए डी पेन, टी स्मिथ और डी पेनिंगटन। ये तीनों काफी जबरदस्त प्लेयर हैं, काफी एक्सपीरियंस विकेट टेकर हैं। तो कुछ इस तरह से मेरी स्मॉल लीग टीम दिखने वाली है। कप्तान होंगे मेरे रायन हिगिंस और वाइस कैप्टन होंगे मेरे रिकी वेसल्स। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे वैन बुरन को भी बना सकते हो आपका वाइस कैप्टन, वो भी अच्छे प्लेयर मेरे सबसे। ये अच्छी टीम होने वाली है आपके लिए। ग्रैंड लीग में आपके लिए डैरिल मिचेल अच्छा ऑप्शन होंगे, उसके अलावा आपके लिए डी पेन भी काफी अच्छे ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग के अंदर। तो ये मेरी स्मॉल लीग टीम होगी ड्रीम 11 के अंदर। अब मैं चलता हूँ माई टीम 11 की तरफ। तो माई टीम 11 मैंने सेम टू सेम टीम रखी है, पर यहाँ पे मैंने कप्तान बनाया रिकी वेसल्स को और वाइस कैप्टन रखा हिगिंस। यहाँ पे बैटिंग की ज्यादा वैल्यू है माई टीम 11 के अंदर, इस वजह से वेसल्स मेरे कैप्टन है और हिगिंस मेरे वाइस कैप्टन। यही थी दोनों आपको ऐप की मैंने टीम बता दी है, आप डाउनलोड कर सकते हो माई टीम 11 ऐप और कोड डाल दो स्पोर्ट्स कॉप, इससे आपको 100 रुपए फ्री मिल जाएंगे। तो यही था इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।